हेलो स्टूडेंट, अपकिरण के ज्ञात करने की वीडियो में आज हम करते हैं चतुर्थ विचलन। इसको बोलते हैं क्वार्टाइल डेविएशन, क्यू डी से इसको लिखा जाता है। सबसे पहले ये चतुर्थ विचलन है क्या? तृतीय चतुर्थ यानी क्यू थ्री तथा प्रथम चतुर्थ क्यू वन के अंतर के आधे के अंतर के आधे को चतुर्थ विचलन कहते हैं। तो इसका सूत्र क्या हो गया? क्यू डी इज इक्वल टू क्यू थ्री माइनस क्यू वन बटे टू, यानी क्यू थ्री और क्यू वन का अंतर लेना है, फिर उसका आधा, यानी आधा कैसे होगा, दो से डिवाइड कर देना है। तो ये तो हो गया चतुर्थ विचलन। क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू क्यू थ्री माइनस क्यू वन बटे टू। ये जो चतुर्थ विचलन है ये श्रेणियों का निरपेक्ष माप है, लेकिन जब विभिन्न श्रेणियों के चतुर्थ विचलन की तुलना करनी होती है तो इसका सापेक्ष माप लिया जाता है। सापेक्ष माप को चतुर्थ विचलन गुणांक कहा जाता है। तो आगे है चतुर्थ विचलन गुणांक, कोफिशियंट ऑफ क्यू डी, सी ऑफ क्यू डी, कोफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या है? विभिन्न श्रेणियों के चतुर्थ विचलन की तुलना करने के लिए इसका सापेक्ष माप निकाला जाता है। जब सापेक्ष माप चतुर्थ विचलन गुणांक कहलाता है। तो इसका सूत्र क्या हो गया? कोफिशियंट ऑफ क्यू डी क्यू थ्री माइनस क्यू वन बटे टू, ऊपर माइनस नीचे क्या है प्लस, क्यू थ्री प्लस क्यू वन बटे टू। इसको कैसे लिखेंगे? क्यू थ्री माइनस क्यू वन बटे टू इंटू, ये बटा है ये उल्ट जाएगा, टू ऊपर आ गया नीचे क्या गया, क्यू थ्री प्लस क्यू वन, टू के साथ टू कट गया तो क्या आ गया, क्यू थ्री माइनस क्यू वन बटे क्यू थ्री प्लस क्यू वन। तो ये सूत्र आ गया। कोफिशियंट ऑफ क्यू डी क्या आ गया? क्यू थ्री माइनस क्यू वन बटे क्यू थ्री प्लस क्यू वन। तो इन दोनों सूत्रों को लेकर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेंगे हम व्यक्तिगत श्रेणी का और एक लेंगे अखंडित या खंडित श्रेणी का। पहला क्वेश्चन है, निम्न दो श्रेणियों में अपकिरण की तुलना चतुर्थ मापों द्वारा कीजिए। तो अपकिरण आ गया एक चतुर्थ, तो इसका मतलब चतुर्थ विचलन निकालना है। एक तरफ दी गई है ऊंचाई, इसमें एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, ग्यारह विद्यार्थियों की एक तरफ ऊंचाई दी गई है, एक तरफ भार दिया गया है। तो इन दोनों श्रेणियों के अपकिरण की तुलना का सापेक्षिक माप ज्ञात करना है हमने। पहले है यहाँ पे लिखने क्रम संख्या, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह। फिर इसके आगे क्या दिया गया है? ऊंचाई। इधर ये ऊंचाई है इंचेस में और एक तरफ दिया गया भार पाउंड में। ये श्रेणी दी गई है, मैं संख्या बोल रही हूं आपको, अट्ठावन छप्पन बासठ इकसठ तिरसठ चौंसठ पैंसठ उनसठ बासठ पैंसठ पचपन। तो इनको स्टूडेंट सबसे पहले आपने आरोही क्रम में लगाना है। ये सबसे पहले इसमें सबसे कम है, आरोही क्रम में लगाते हैं।
पचपन, छप्पन, अठावन, उनसठ, इकसठ, बासठ, बासठ, तिरसठ, चौसठ, पैंसठ, पैंसठ। इसी प्रकार भार दिया गया है, भार दिए 117, 112, 127, 123, 125, 130, 106, 119, 121, 132, 108। तो इसको भी आपने आरोही क्रम में लगाना है। सबसे पहले 106, फिर है 108, 112, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 130, 132। अब आपने इधर हम लेंगे ऊंचाई, ऊंचाई और इधर भार। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, क्यू डी। क्यू डी कैसे निकलेगा, पहले सूत्र लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ क्यू डी कैसे निकलेगा, क्यू जी माइनस क्यू वन, क्यू जी प्लस क्यू वन। तो दोनों का हम क्यू थ्री और क्यू वन निकालते हैं। इधर ऊंचाई का क्यू थ्री, क्यू थ्री इज इक्वल टू साइज ऑफ, ये थ्री है तो यहाँ तीन लगेगा, और ये क्या है व्यक्तिगत श्रेणी है तो इसमें लगेगा एन प्लस वन, बटे क्वार्टाइल है फोर्थ आइटम। तो क्या आ गया, साइज ऑफ थ्री, एन कितना है 11, 11 प्लस एक बटे चार, तो ये 12 आ गया, 12 तीन 36 बटा चार, बराबर क्या आ गया साइज ऑफ, चार नए 36, नाइन्थ आइटम। अब नाइन्थ आइटम का साइज क्या है 64 ऊंचाई का, तो क्यू थ्री इज इक्वल टू 64। इसी प्रकार क्यू वन निकालते हैं, क्यू वन इज इक्वल टू साइज ऑफ, ये वन है तो वन, एन प्लस वन बटे फोर्थ आइटम। क्या आ गया साइज ऑफ, एन कितने 11 प्लस एक बटे चार, बराबर आ गया 12 बटे चार आइटम, यानी साइज ऑफ थर्ड आइटम। तो क्यू वन कितना गया, तीसरी आइटम का साइज कितना है 58। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्यू डी, क्या है सी ऑफ क्यू डी। सूत्र क्या था, क्यू थ्री माइनस क्यू वन बटे क्यू थ्री प्लस क्यू वन, क्यू थ्री कितना है 64 माइनस 58 बटे 64 प्लस 58। तो इसको घटाएंगे 64 में से 8 गए 6 बटा 122। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ क्यू डी कितना आ गया आपका, 6 को 122 से डिवाइड किया 0.049। तो ये ऊंचाई का कोफिशिएंट ऑफ क्यू डी आ गया। इसी प्रकार हम भार का निकालते हैं, क्यू थ्री इज इक्वल टू साइज ऑफ, ये थ्री है तो यहाँ पे तीन, व्यक्तिगत श्रेणी है तो एन प्लस वन, क्यू है क्वार्टाइल फोर्थ आइटम। तो क्या आ गया साइज ऑफ तीन, एन है 11 प्लस एक बटे चार, तो 12 तीन 36 बटा चार, क्या आ गया साइज ऑफ, इसको डिवाइड किया नाइन्थ आइटम।
ठीक है। नाइन्थ आइटम का साइज क्या है, भार में देखना आपने, ये भार वाला निकाल रहे हैं हम, ये ऊंचाई वाला क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ क्यूडी निकाला था अब भार का, तो नाइन्थ आइटम का सामने के 127, तो क्यू थ्री कितना आ गया 127। इसी प्रकार क्यू वन क्या आ गया, साइज ऑफ एन प्लस वन बटे फोर्थ आइटम, यानी क्या आ गया साइज ऑफ एन कितना है 11 प्लस 1 बटे फोर्थ आइटम। क्यू वन क्या आ गया साइज ऑफ 11 में 12, 12 को 3 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, 3 थर्ड आइटम। तो भार वाले में देखना है तीसरी आइटम का साइज क्या 112, अतः क्यू वन इज इक्वल टू 112। अब कोफिशियंट ऑफ क्यू डी कितना आ गया, क्यू थ्री माइनस क्यू वन बटे क्यू थ्री प्लस क्यू वन, तो क्या आ गया क्यू थ्री कितना है 127, क्यू वन कितना 112 बटे 127 प्लस 112, तो ये 127 में से 112 गए 15 बटे 239, तो कितना आ गया 15 को 239 से डिवाइड किया तो ये आ गया 0.063। तो स्टूडेंट ऊंचाई का जरा जो कोफिशिएंट ऑफ क्यू डी है वो 0.049 और भार का क्या है 0.093, तो आप आंसर में क्या लिखोगे कि ये ऊंचाई का है ये भार का है, तो ये है 0.049, ये है 0.063 सॉरी, तो आप क्या लिखोगे, अतः ऊंचाई की अपेक्षा भार में अधिक अपकिरण है। तो स्टूडेंट ये तो था व्यक्तिगत श्रेणी का एग्जाम्पल। मान लो अगर आपने अकेला चतुर्थ विचरण निकालना है तो चतुर्थ विचरण का मैंने आपको सूत्र बताया है क्यू डी इज इक्वल टू क्यू थ्री माइनस क्यू वन बटे टू, तो इसका भी निकाल सकते हो आप, और भार का भी क्यू थ्री माइनस क्यू वन को 2 से डिवाइड करके। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल लेते हैं कि अखंडित श्रेणी में चतुर्थ विचरण गुणांक कैसे निकाला जाता है। तो सूत्र तो आपको पता ही है क्यू थ्री माइनस क्यू वन बटे क्यू थ्री प्लस क्यू वन, लेकिन अब हम एग्जाम्पल में देखते हैं अखंडित श्रेणी।